सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि और किचन का सारा काम हो चुका है और अगेन चावल लगे हैं, वही खाएंगे और बनाएंगे आज। फिलहाल तो चावल खा लेंगे और फिर बनाऊंगी उसके बाद मशरूम। मशरूम लाई थी मैं, बाहर गई थी तो मशरूम, गाजर और क्या कॉर्न, शिमला मिर्च ये लेकर आई थी। सब कुछ था उस ठेले पे, तो मैंने सब कुछ ले लिया। कॉर्न वगैरह तो पास्ता वगैरह बनाने के लिए या कुछ वैसा स्नैक में बच्चों के लिए, इसलिए ले लिया। और जसिका से बनवाई है चाय, अभी चाय पियेंगे अब। और बच्चे आराम से मस्त हैं और हमारे हस्बैंड तो सुबह ही चले गए आज, काम है, न्यू ईयर पार्टी चल रही है ना, इसलिए तो सुबह ही चले गए थे, अभी तक आए नहीं हैं, आ जाएंगे शाम को। तो इसलिए अब शाम को देखते हैं क्या बनाएंगे। फिलहाल तो अब इन्हें देखिए ज़रा, ये न्यू ईयर पे क्या कर रहे हैं, बोलो। हेलो गाइस, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम फोन चला रहे हैं। फोन चला रहे हैं और ये टांग में दर्द का बहाना, और ये रही हमारी चाय। लविस ओए ये देख, चाय पीऊंगी अब मैं, चाय पी के मिलते हैं। सो चलिए गाइस, मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ मशरूम की रेसिपी। वैसे मैंने शेयर कर चुकी हूँ लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया। चलिए आज बनाएंगे मशरूम। जैसा कि सभी नहीं जानते, पहले मैं भी नहीं जानती थी मशरूम कैसे होते हैं, फिर एक बार मेरे हस्बैंड ले गए फिर पता चला ये मशरूम है। सो चलिए, ऐसा नहीं है कि आपको भी पता होगा, जिन्हें नहीं पता और पता चल जाएगा, मैं भी थी उनमें से। चलिए मैंने तैयारी सारी कर ली है, अब मैं मशरूम दिखाती हूँ। चलिए तो देखिए, सारी तैयारी हो चुकी है हमारी, सब कुछ। तो देखिए, ये लहसुन और प्याज का पेस्ट, ये टमाटर अदरक का पेस्ट, ये मसाले हैं हल्दी मिर्ची और धनिया, और ये है हमारे मशरूम। तो ये मैं दो पैकेट ले आई थी आज, तो सही मिल गए थे दो पैकेट। कितने के थे? 30 रुपये का एक पैकेट, सही, वरना बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। बस यही चीज़ डालेंगे हम, और हाँ एक चीज़ तो रह गई, इसमें डालेंगे हम मटर। तो देखिए ये मटर है हमारी, इतनी एक कटोरी से थोड़ी कमी होगी, तो ये होगी हमारी मटर। चलिए अब डालते हैं। सबसे पहले लगा लेंगे हम, तो इसमें कोई खड़े मसाले वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ। डाल दूँ क्या? नहीं, ऐसे ही बना। तो मैंने सरसों का तेल लिया है, तो ये मीडियम साइज की दो प्याज होंगी। चलिए अब अच्छे से भूनेंगे तेल सेपरेट होने तक। थोड़ा कुकर बड़ा है, छोटे वाले को तेल नहीं करना है ना। अब अच्छे से भुनने देंगे इसे, ठीक है, बाकी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करते रहेंगे। चलिए अब डालते हैं हम इसमें ये मसाले, तो कुछ डाल दिए हैं और कुछ रह गए हैं। मसाले वेस्ट ना जाए बिल्कुल भी। अब मसालों के साथ भुनेंगे, बाद में डालेंगे टमाटर का पेस्ट। बहुत सिंपल रेसिपी होती है और इतनी टेस्टी लगती है, जैसे बस नॉन वेज ही फेल है इसके सामने, है नहीं रेसिपी का फेवरेट, रेसिपी का। तो चलिए गाइस, अब डालते हैं टमाटर अदरक का पेस्ट। तो सबका पेस्ट ही बना लिया था मैंने, क्योंकि पेस्ट से ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसी टाइम डाल देंगे हम नमक, ठीक है। बहुत सिंपल सब्जी है, इजी और टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। चलो अब इसे पकने देंगे जब तक तेल सेपरेट होगा, फिर उसके बाद डालेंगे मशरूम और मटर। मटर क्यों? मटर डालूंगी भाई, नहीं मटर ही मटर होती है। नहीं अरे बहुत डबल है ये, दो पैकेट लाई हूँ मैं आज, सुखड़ जाएंगे फिर भी। नहीं नहीं होंगे ना, थोड़ी डालूंगी और फिर इसमें डालेगा पानी। हाँ ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, ज़्यादा गिरी भी। अब पकने देंगे ढक के, वो गर्म होगा जल्दी। अरे यार पानी मैंने नॉर्मल करने के लिए करा था, तेज हो गया ये। मिलते हैं जल्दी। हाँ नहीं अब डालेंगे, तेल सेपरेट हो गया, मसाले हमारे भून चुके हैं, डालेंगे मशरूम और मटर। मटर डालो ना,
अपना ही जवाब मत देखो, अच्छी नहीं लगती हमें, अच्छी लगती है। तो ये मैं दो पैकेट लाई थी, वरना मैं एक ही लाती हूँ, आज मैंने दो ले लिए। और अगर ये थोड़ी सी मटर है, बहुत सारी है, तो धो ली थी मैंने मटर, कहीं सोचो धो ली। तो इसे अच्छे से मसालों के साथ ऐसे ही बना दो, पानी वानी मत डालो, थोड़ी ग्रेवी तो आनी चाहिए, अच्छी नहीं लगेगी अभी मसाले वाले में। अब अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे, दो तीन मिनट तक बस। तो देखिए गाइस, अब ऐसे भुन चुके हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे, आप चाहे सोके भी रख सकते हो, और ग्रेवी भी, मैं थोड़ा ग्रेवी वाले बनाऊंगी। तो देखिए एक गिलास करीब मैं पानी डालूंगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ऐसे रखूंगी और इसमें चार सीटी लगा दूंगी, बस गल जाएंगे ये, ठीक है। तो चार सीटी लगा के अच्छे से पक जाएंगे, मटर भी गल जाएगी हमारे, मशरूम भी। तो चलिए तो देखिए गाइस, ऐसे चल रहा है हमारा नियर। सो लविस को नहीं, अभी मैं सफाई कर लूँ जब ले आएंगे, और उधर जस मैं सब्जियां लाई थी, देखो बोरी, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रही कहाँ गई सब्जियां, ये रही, ये वॉश करके रखी हुई है मैंने, और ये चार कप चाय नीचे जा रही है, गेस्ट आए हुए हैं, तो स्नैक भी है साइड में, देखिए। लविस कुछ कहना चाहता है बोलो, ऊपर जाऊं डीजल एंड ट्रॉली। तो लविस के म्यूजिक सुनने की लग रही है, लेकिन डैडी फिर शोर ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगी। और मैंने भी अपने लिए चाय बनवा ली, मेरे लिए भी बना देना, ये मेरी चाय। मैं जा रहा हूँ लेने, अभी आ रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं हम लाएंगे, हाँ दे रहे हैं, चाय पी के चलोगे ऊपर लेने? हाँ हाँ चलेंगे। और गाइस आज कुछ एक अच्छा काम किया मैंने, तो जसिका के डैडी बार बार आवाज मार लेते हैं, जसिका जसिका, डैडी का फोन तो खराब है, उनका आज फोन गिर गया था, लविश नीचे चाय है तो टूट गया बिल्कुल, जो ठीक कराने भेजा था, तो वो अब आ रहा है फोन, और मूंगफली भी मंगाई हमने बाहर से ही, मतलब एक जगह फेमस है वहाँ से मंगाते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है ना लविश, है ना। पता नहीं देखिए जस्सी का वो कंडीशन, देखिए नई ड्रेस पहन के बैठी है, अच्छा डैडी 400-600 वाले लाते हैं, शर्म कर ले थोड़ी सी, बोलो 1000 रुपए के कपड़े खाता है, अभी तो पहने भी नहीं उसने बेचारे ने, है तो ना देखो इसके ट्वाइस। सो गाइस यही थी आज की दिनचर्या, आज का ब्लॉग, और देखिए जस्सी का टोपा ओढ़ रही है जो कि लविस का है, मैं आज लाई थी मार्केट गई थी, और मैं मार्केट गई थी अपनी सासू माँ के साथ, मेन पॉइंट, तो इसलिए मैंने सूट नहीं किया वहाँ पे मार्केट में, मैं फोन ही नहीं ले गई थी, भूल गई, ठीक है मम्मा जी। मेन पॉइंट मतलब, और लविंस आज से बिल्कुल चेंज हो चुका है, मैंने आज मैं ऊपर कपड़े धोने गई थी और लविंस ने बर्तन क्लीन कर दिए इतने में, देखो ये देखो, और ये लड़की, ये बदतमीज लड़की, ये बैठी रहती है बस, देखिए इसका मेरी पैर में चोट लग रही है, पैर में चोट लग रही है बस, फोन की तरह। और गाइस एक अच्छा काम भी किया जो कि आज जरूरी बाद में बताऊंगी, वो क्या है मैंने किया आज अच्छा काम, क्या लविश और मुझे पता है, ठीक है। तो आपने क्या एक अच्छा काम किया आज के दिन नए साल पे, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपने क्या अच्छा काम किया, फिर मैं भी बताऊंगी कि मैंने क्या अच्छा काम किया, मतलब जो किया? मेरा मन किया मैंने वो किया, अच्छा किया, मतलब दूसरों के लिए किया, ठीक है। और आपने आज के दिन क्या शुरुआत की, कैसे मनाया नया साल, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी मैंने शेयर की है,
सो पहले भी शेयर की थी, सो काफी लंबे टाइम हो गया इसलिए मैंने दोबारा शेयर की। सो चलिए मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। देखिए हमारे लविश को, लविश हमारा पूरे घर का काम करते हुए, चीजों को समेटते हुए, इनोसेंट बच्चा। सो चलिए मिलते हैं कल।